सब्सक्राइब करें सोनिस किचन चैनल को और इस बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आपको मेरी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिस किचन। फ्रेंड्स, आज हम एक नॉनवेज डिश को वेजिटेरियन रूप देने जा रहे हैं। आज हम बनाएंगे विदाउट एग एग करी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, विदाउट एग एग करी या वेज एग करी बनाने के लिए मैंने लिया है 1/4 कप राइस फ्लावर, 4 आलू को उबाल करके बॉईल करके इसे मैंने ग्रेट करके रखा हुआ है, और पनीर लिया है 150 ग्राम योक बनाने के लिए, ये फूड कलर यूज़ करेंगे, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लेंगे, थोड़ी सी नमक टेस्ट के अनुसार लेंगे, और मैंने यहाँ पे 2 टमाटर का प्यूरी बना कर लिया है पेस्ट बना करके, 1 अनियन और थोड़ी सी अदरक और लहसुन और हरी मिर्च, 2 से 3 हरी मिर्च को भून करके मैंने पेस्ट बनाया है, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर ले लेंगे, 1 प्याज हम बारीक काट कर ले लेंगे, थोड़ी सी धनिया पत्ते, और यहाँ पे मसालों में रेड चिल्ली पाउडर, गरम मसाला और कोरिएंडर पाउडर और हल्दी पाउडर लेंगे, जीरा ले रही हूँ थोड़ी सी तड़के के लिए, 2 छोटी इलायची और तो एक से दो हम तेज़पत्ता ले लेंगे। तो चलिए स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ये प्लेट में आलू को लिया हुआ है, इसमें हम राइस फ्लावर डाल देंगे, कॉर्नफ्लावर 1 चम्मच डालेंगे और 1 चम्मच हम बचा लेंगे, नमक थोड़ी सी नमक डाल दें। फ्रेंड्स, ये जितने हम सामग्री ले रहे हैं उसमें हमारा 6 अंडे बनेंगे, तो इसे हम हाथों से इस तरह से गूंथ लेंगे, एक स्मूथ सी डो बननी चाहिए ये। अगर हाथों में ज़्यादा चिपक रही हो तो थोड़ी सी हाथों में तेल लगा लें और इस तरह से स्मूथ कर ले इसे। देखिए, डो तैयार है। अब हम योक बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने पनीर ऑलरेडी ग्रेट करके रखा हुआ है, इसमें थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर डाल देंगे, हल्की सी नमक डालेंगे और ये कॉर्नफ्लावर डाल देते हैं। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करनी है, सिर्फ हमें कलर में थोड़ी सी पानी ऐड करके कलर को लिक्विडी बनानी है, और ये कलर को हम इसमें डाल देंगे, येलो फूड कलर ले रही हूँ यहाँ पे मैं, और इसे भी हम हाथों से ही अच्छे से मल करके योग बना लेंगे, चिकना कर लेंगे इसे। पनीर में हमने कॉर्नफ्लावर इसलिए डाला है कि ये गोल बनाने में हमें आसानी हो, वरना बंधेगी नहीं, और इसे इस तरह से हाथों में हल्के से तेल लगा ले और इसे गोल गोल करके योक जिस साइज़ की होते हैं अंडे का योक, उसी तरह से साइज़ में बनाएं। तो ये हमने 6 योक बना लिया है। चलिए हम अभी अंडे बना लेते हैं। तो हमारा ये डो भी रेडी है, योक भी रेडी है। तो ये जो डो है इसे भी हम 6 पार्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें 6 अंडे बनानी है। और अब हम एक एक लोई लेंगे, हाथों से हल्के से तेल लगा लेंगे और इसे इस तरह से बीच में होल करेंगे, अंदर ये योक रखेंगे और इसे पैक कर लेंगे। बहुत ही आसान है। ऊपर का परत उतना पतला होना चाहिए जितना हमारा अंडे जैसे रहते हैं, ऊपर का परत जैसे रहता है उस तरह का होनी चाहिए, और इसे अंडे का शेप दे दें। मैं इसको चिकना करने के लिए हाथों में थोड़ी सी तेल लगा करके चिकना कर लिया है। हम सारे अंडों को इसी तरह से बना करके तैयार कर लेंगे। देखिए, सेम प्रोसेस है। वेजिटेरियन वालों के लिए ये बहुत ही अच्छा तरीका है, जो लोग अंडे नहीं खाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, दूसरा अंडा भी तैयार है। हम इसी तरह से सारे अंडे बना लिए हैं, और चलिए हम अभी इसे तल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 से 3 चम्मच तेल गरम किया है कढ़ाई में, इसमें फ्राई कर लेंगे अंडों को, आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा, ये ना शैलो फ्राई कह सकते हैं इसे, ना डीप फ्राई कह सकते हैं। तो देखिए, मैंने इसे अच्छी ब्राउन कलर होने तक फ्राई कर लिया है,
इसे एक प्लेट में निकाल करके बचे हुए अंडों को भी हम उसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अंडों को डालने के बाद तुरंत इसे ना पलटें, मीडियम फ्लेम रखें। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने अंडों को फ्राई कर लिया है। अभी हमने मैं कढ़ाई में से थोड़ा सा तेल निकाल दी हूँ, एक चम्मच अभी तेल बचा है इसमें। इसमें हम जीरा, इलायची, तेज़पत्ता डाल देते हैं। इसे हमने थोड़ा सा भून लिया है। अब हम इसमें अनियन डाल देंगे। फ्रेंड्स अनियन को बहुत ही बारीक काट कर ले, और मैंने यहाँ पे एक छोटी मतलब मीडियम साइज़ की अनियन काट कर ली हूँ, और एक छोटी अनियन को मैंने भून करके पेस्ट बना लिया है, जो हमने पेस्ट ऑलरेडी बना कर रखा है। फ्रेंड्स हल्दी और मिर्च पाउडर अभी डालने देने से करी में अच्छी कलर आएगी, तो मैं तेल में ही हल्दी और मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। इसके बाद हमने ये जो पेस्ट बनाया था, अदरक लहसुन हरी मिर्च और अनियन को भून करके उसका पेस्ट डालकर मिला लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मसाला को हमने इसमें भून लिया है। अब हम इसमें टमाटर डाल देते हैं, टमाटर का पेस्ट, और इसमें हम ये धनिया पाउडर डाल देंगे, गरम मसाला पाउडर भी डाल देंगे। ये मैंने 1 टीस्पून लिया हुआ है। नमक भी डाल दें। फ्रेंड्स नमक ध्यान से डालें, क्योंकि हमने योक में और अंडे का परत में भी नमक डाला हुआ था। और इसे ढक देंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद ये मसाला अच्छे से कुक हो गई है। इसमें हम पानी ऐड करेंगे, अभी तेल छूट रही है, आप देख सकते हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा पानी ना डालें, ठीक सी ग्रेवी होनी चाहिए बस। और इसे हम ढक देते हैं ताकि बॉईल हो जाए जल्दी। फ्रेंड्स देखिए, ये पानी में उबाल आ गई है। इसमें हम अंडा डाल देंगे। फ्रेंड्स आपको जब भी इसे सर्व करना हो, तब भी ये रस्सा जो है, हमने ग्रेवी जो बनाया है, ये ग्रेवी को गर्म करें और उसमें अंडा डाल करके 1 मिनट इसे कुक करें, फिर इसे तुरंत सर्व करें। वरना अगर पहले से अगर अंडा डालकर बॉईल करके आप रख देंगे तो अंडे नरम हो जाएंगे, क्योंकि इसमें आलू और राइस फ्लावर है। अभी 1 मिनट मैंने कुक कर लिया है, फ्लेम को ऑफ कर लिया, और हरे धनिए के साथ हम इसे गार्निशिंग कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, तैयार है हमारा विदाउट एग करी। तो आप ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।